Good morning, students. Today in computer I will teach you system unit, and this is video part 5. So student, a system unit mainly consists of central processing unit. In short, we can say CPU or microprocessors and memory. सिस्टम यूनिट मुख्य रूप से इसके पास सेंट्रल यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू रहता है. इसमें माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी मौजूद होते हैं. द सेकेंडरी पार्ट्स आर द डिस्क ड्राइव स्विच मोड पावर सप्लाई इन शॉर्ट यू कैन से SMPS द ड्राइवर्स कंट्रोलर कार्ड ETC. ये सारे जो मैंने नाम बताया ये सब सेकेंडरी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो उसमें मौजूद होते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट CPU, द फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. डियर स्टूडेंट्स, इन फैक्ट दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. द CPU प्रोवाइड्स द फंडामेंटल command and instruction environment for the computer. ये computer का brain के रूप में जाना जाता है और ये जो भी basic command हैं और जो भी instructions हैं उसको एक environment provide करता है computer के लिए. The major structural components of CPU आर जो मुख्य रूप से इसके components हैं CPU के यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के यहाँ पर दिया गया है. फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड सी यानी यस मेमोरी यूनिट. सो दीज आर द important components. So first I will talk about control unit. It directs and coordinates the activities of the entire computer, which includes controlling the input output units. Students, या पूरे एक्टिविटीज़ को जो कंप्यूटर से संबंधित है उसका दिशा निर्देश और नियंत्रण का काम भी करता है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ये सारे काम को अंजाम देता है. इसमें कंट्रोलिंग या यानी कि इनपुट आउटपुट दोनों को इसमें नियंत्रण भी यहाँ से होता है. द ऑपरेशंस ऑफ ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो इसका जो काम है एंड ट्रांसफर्स डेटा टू एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी. द ऑपरेशंस ऑफ ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का जो एप्लीकेशंस हैं वह क्या करता है, डेटा को ट्रांसफ़र करता है मेन मेमोरी से जो इसका मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है वहाँ से. एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका महत्वपूर्ण जो काम है कंट्रोल यूनिट का वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है यानी स्टार्ट करना है. एंड फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से डाटा को लाना है. And now I will discuss about arithmetic and logical unit. So student, the arithmetic logical unit performs arithmetic operation. For example, subtraction, multiplication, so on. Here it has been given. While performing
एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन द ऑपरेंस फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर मैं बताया हूँ 1 + 2, हेयर द 1 and 2 आर द ऑपरेंट्स आर ब्राउट टू एलयू, ये एलयू के लिए यहाँ पर लाया जाता है मेमोरी से, और इन एलयू द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस इज डन, और एलयू इट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के लिए ज़रूरी है, ये एप्लीकेशन यहाँ पर किया जाता है, और जो इसका रिजल्ट है वो फिर से वापस भेज दिया जाता है मेमोरी को, ताकि मेमोरी उसको एज ए रिकॉर्ड स्टोर करके रख सके। सो ऑल दिस हैपेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल यूनिट, ये सारे एक्टिविटीज़ जो ऑपरेशंस आपने देखा ये सब कुछ किसके अंदर होता है, तो कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण के अनुरूप होता है या उसके सुपरविजन में होता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।